आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, आज जिस हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ, मीना कुमारी और वैजयंती माला उनकी फेवरेट थी और वो चाहती थी कि वो मीना कुमारी की तरह बेहतरीन इमोशनल एक्टिंग करें और वैजयंती माला की तरह बेहतरीन डांस करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए वो अब अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कहती हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला हर इंसान की हर तमन्ना पूरी कर दे, और वो हैं खूबसूरत शोमा आनंद। सोलह फरवरी 1958 में पैदा हुई थी शोमा आनंद मुंबई में। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि उनकी बेटी हीरोइन बने। उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली और बन गई हीरोइन। मैंने शोमा आनंद का इंटरव्यू कई बार लिया, रेडियो पे भी और टेलीविजन पे भी, और जब जब मैंने जो जो सवाल उनसे पूछा, हर सवाल का जवाब शोमा आनंद ने बड़ी तसल्ली के साथ दिया। आज हमारे गुलशन में एक कली मुस्कुरा रही है और ये हसीन कली है शोमा आनंद। देखने वालों को मेरा नमस्ते और शुभकामनाएं। शोमा जी, अभी अभी हमने आपको कली कहा और आप हैं भी कली, लेकिन बड़ा अजीब लगता है जब हम ये सोचते हैं कि ये हसीन कली जो है पहली बार जिस फिल्म में आई उसका नाम था बारूद। था तो बारूद, लेकिन उस वक्त थी मैं कली। तुम उस वक्त नहीं, आज भी कली हो, लेकिन अब ये बताओ कि ये कली बारूद में कैसे जा फंसी। ठीक है, इसे आप किस्मत की बात कह सकते हैं। वैसे मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, लोग तो बड़ी पिक्चर पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, मैंने तो स्ट्रगल नहीं किया। हुआ यूं कि मेरे डैडी के एक फ्रेंड है जानकी दास जी, तो एक बार वो मेरे डैडी को कहीं मिल गए, तो उनका आना जाना हमारे यहाँ लगा रहता था। तो एक दिन वो मेरे यहाँ आए और कहने लगे फिल्मों में काम करोगी। उस वक्त मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी ना वो मुझे फिल्मों में डालना चाहती थी। अच्छा। तो मम्मी ने कहा हाँ हाँ करेगी, तो मैंने कहा देखो अंकल, अगर मुझे अच्छा से रोल मिला तो करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी, मैं स्टडी में बहुत होशियार थी। बोले ठीक है। एक दिन मेरे यहाँ वो आए और कहने लगे श्री प्रमोद चक्रवर्ती जी को एक नई लड़की चाहिए और मैंने तुम्हारे बारे में उनसे जिक्र किया है, तो तुम चलो। तो मैं हंसने लगी बड़े जोर से। मैंने कहा मुझे कहाँ साइन करेंगे वो। मैंने बोला इतने बड़े वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो हमेशा उनकी पिक्चरों में बड़ी हीरोइन रहती है, तो मुझे कहाँ साइन करेंगे, आप मेरा मजाक मत उड़ाओ अंकल। तो उसने कहा नहीं नहीं तुम ट्राई तो करो। मैंने बोला देखो उन्होंने अगर नहीं लिया ना मुझे तो मैं हर्ट हो जाऊंगी। तो कहने लगा नहीं तुम ट्राई तो करो। आई सेड ओके। तो मैं गई उनके ऑफिस में, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट लेंगे, अगर तुम पास हो गए तब तुम्हें साइन करेंगे। तो अब भी मेरा दिल धक धक कर रहा था कि अब अगर स्क्रीन टेस्ट लिया तो पता नहीं क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा। तो उन्होंने जब मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया तो उन्होंने बहुत खुश हुए वो, और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें साइन करने जा रहे हैं। तब तो मेरी खुशी की सीमा ही नहीं रही। अरे वाह, मैं इतनी खुश होगी, खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आने लगा, क्योंकि इतनी बड़ी पिक्चर पाने के लिए, और उस वक्त उसमें हीरो थे ऋषि कपूर, जिनकी उस टाइम पिक्चर बॉबी गोल्डन जुबली हुई थी और उनका इतना क्रेज था। हम लोग जब कॉलेज में थे तो चिंटू करते रहते थे, और उसके साथ जब मुझे काम मिला तो मैं इतनी खुश हो गई। और उसके साथ खुशी की बात तो और एक और थी कि उस पिक्चर के लिए मुझे फॉरेन में भी जाना पड़ा। अरे वाह, पहली पिक्चर में मैं फॉरेन चली गई। बड़ा सा मिलने तड़पाया
ख्याल है कि आपकी शक्ल हेमा मालिनी जी से बहुत मिलती है। हाँ मिलती है, बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। अच्छा, और लोगों का ये भी ख्याल है कि आप एक्टिंग भी कुछ उन्हीं की तरह करती हैं। नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा दीदी ये बताओ, ये पांचों उंगली एक जैसी है? नहीं, हालांकि मेरी है फिर भी एक जैसी नहीं है। जब इंसान की अपनी कोई चीज किसी से नहीं मिलती तो फिर मैं भला एक्टिंग हेमा जी जैसी कैसे कर सकती हूँ, उनकी कॉपी कैसे कर सकती हूँ? नहीं करती। देखिए मैंने पतिता की, बारूद की, कुली की, घर एक मंदिर की, कहीं आपको ऐसा लगा मैं हेमा जी की कॉपी कर रही हूँ? अब मैं इस वक्त तो हाँ या ना नहीं बताऊंगी। देखो ये हाँ और ना तो मैं सामने वालों पे छोड़ती हूँ। मैं बिल्कुल हेमा जी की कॉपी नहीं करती, मैंने बिल्कुल शोमा आनंद की छाप छोड़ी है। अब मुझे ये बताइए कि शौक आपको किस चीज का है? शौक है मुझे, सबसे ज्यादा शौक तो मुझे डांस का ही है। अच्छा, मैं एक बहुत अच्छी डांसर बनना चाहती हूँ। मेरे को जब फुर्सत मिलती है तो बस अपना मैं म्यूजिक लगाती हूँ, क्लासिकल म्यूजिक, और बस रियाज करना शुरू कर देती हूँ। हर आर्टिस्ट का कोई ना कोई एक आइडियल जरूर होता है, मैं जान सकती हूँ कि आपका आइडियल कौन है? मेरा आइडियल है मीना कुमारी जी, वैजयंती माला जी, उनकी तरह मैं एक अच्छी डांसर बनना चाहती हूँ। शोमा आनंद ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था बहसियत हीरोइन 1975 में, और उनकी पहली फिल्म का नाम था बारूद, और उसमें उनके साथ हीरो थे ऋषि कपूर। बारूद सुपरहिट हो गई और उसके बाद शोमा आनंद ने कई और बड़ी बड़ी फिल्में साइन की, और वो भी बड़े बड़े टॉप मोस्ट हीरोज के साथ। शोमा आनंद को इस बात की बहुत ज्यादा तकलीफ है कि बहसियत हीरोइन वो अपने करियर को ज्यादा अरसे तक मेंटेन नहीं कर पाई, और बहुत जल्दी उन्होंने करेक्टर रोल्स करना शुरू कर दिए। शोमा आनंद कहती हैं कि मैं एकता कपूर की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि 95 में उन्होंने अपने मशहूर सीरियल हम पांच में मुझे एक बहुत बेहतरीन रोल दिया जो आज तक लोगों को याद है। 1987 में शोमा आनंद ने शादी कर ली, लव मैरिज। उनके पति का नाम है तारिक शाह, वो हीरो भी थे, प्रोड्यूसर भी और डायरेक्टर भी। उनकी एक ही बेटी है और उसका नाम है सारा। शोमा आनंद से अक्सर मेरी बातचीत होती रहती है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि शोमा तुम आजकल क्या कर रही हो, तो कहने लगी कुछ नहीं कर रही हूँ दीदी, सिर्फ लाइफ एंजॉय कर रही हूँ और अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। और हमने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हमेशा खुश रहो। तो दोस्तों ऐसी बातें भी बताती रहूँगी, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।